कितने दिन में ठीक हुआ है? दिखाओ दिखाओ, नाच रहा दिखाओ, देखिए नाच रहा है, नाच रहा किस रहा भैया। ये तो आपने सोचा चला जाएगा, नहीं गया नहीं, ये गया नहीं है, मेरे साथ रहने लगा, इतना साथ रहने लगा। मैं बाजार जाता हूँ, मेरे साथ बाजार जाता है, मैं खाना खाता हूँ, मेरे साथ खाना खाता है। मैं जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे साथ ही जाता है। गाँव में कहीं किसी के यहाँ जाना, आगे हम पीछे पीछे, हम तो डर गए देख के कि अब इसके पास कैसे जाए। फिलहाल हम इसके पास जब गए देखे तो इसका पैर टूटा हुआ था और काफी खून निकल रहा था इसके शरीर से। आज मैं सारस भैया के घर पे हूँ, आरिफ भैया के। हाँ, सारस भैया भी हैं, आरिफ भैया भी, दोनों लोग। ये प्यार मोहब्बत है लैला मजनू की कहानी। मैं नाम रखूंगा इसका लैला मजनू, आरिफ सारस का दोस्त। हाँ, आरिफ सारस का दोस्त, सारस का दोस्त। तो मैं नाम रख दूंगा लैला मजनू की कहानी। इसे कई वीडियो में हमने देखा है कि कमेंट करके आप बताइएगा क्या इसका नाम रखा जाए। तो हम चाहेंगे कि दोस्तों वीडियो में आप पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं भैया, ये आरिफ भाई, ये कैसे मिला आपको कहां? ये हमको जहां हम लोग खड़े हैं जी, जहां पे यहां से थोड़ी दूर पे ऐसे ही खेत मेरा है जी, तो लगभग यहां से 100-150 मीटर की दूरी पे होगा। तो वहां हम गए थे कुछ खेत में से, जिसे मजदूर लग रहे थे, काम करने गए थे, हम ही काम करने गए थे। चलिए ठीक है, हम ही काम करने गए थे खेत में। उसके बाद जो है वहां हमने देखा कि कुछ पड़ा है, मतलब दूर से। तो हम गए वहां, तो चिड़िया दिखाई दी, फिर इतनी बड़ी चिड़िया, हम तो डर गए देख के कि अब इसके पास कैसे जाएं। फिलहाल हम इसके पास जब गए देखे तो इसका पैर टूटा हुआ था और काफी खून निकल रहा था इसके शरीर से। अच्छा। पैर से मतलब। तो हम सोचे कि पास जाएंगे काट लेगी, पर जो है जब और पास पहुंचे, एकदम नजदीक पहुंच गए इसके, हम देखा कि ये एकदम लाचार है, मतलब इतना चोटिल है कि काटने की अवस्था में ये नहीं है, काट नहीं सकता। तो हम इसको अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद जो है इसका इलाज किया देसी तरीके से, बांस वांस के फर्चा वर्चा सब बांध के हमारे एकदम मारा फिट कह दीना, समझे था ना, बांस वास्तव पर्चा बांध के हमें एकदम मारा सब फिट कह दिया, टूट गया गुड़वा के। उसके बाद जो है हम फिर इसका वो सब बांध के सब फिट किए। तो उसके बाद फिर ये हमको लगा कि चला जाएगा जब ठीक होगा जंगली पक्षी। आप जब इसका बांस वास यानी प्लास्टर जब आप चढ़ाए दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह बता रहे हैं एक पक्षी की, जिस तरह सेवा किए हैं इन्होंने, बेजुबान पक्षी का, डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है दूसरा। तो ये कहीं ना कहीं ये मोहब्बत इनको दिखी है। और लगभग कितने दिन में ठीक हुआ है? दिखाओ दिखाओ, नाच रहा दिखाओ, देखिए नाच रहा, नाच रहा किस रहा भैया। ये कितने दिन में लगभग ठीक हुआ था इसका? ये एक से डेढ़ महीना इसको लग गया था सही होने में। एक से डेढ़ महीना में बढ़िया से उड़ने लगा था। अच्छा, जब उड़ने लगा तो आप सोचे कि ये चला जाएगा? हम चला जाएगा, जंगली पक्षी है, हम कहे तो वो भी इतना बड़ा पक्षी, संसार के सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ता है, शतुरमुर्ग होता है पर वो उड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो आपने सोचा चला जाएगा, नहीं गया नहीं, ये गया नहीं है, मेरे साथ रहने लगा, इतना साथ रहने लगा। मैं बाजार जाता हूँ, मेरे साथ बाजार जाता है, मैं खाना खाता हूँ, मेरे साथ खाना खाता है। मैं जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे साथ ही जाता है। गाँव में कहीं किसी के यहाँ जाना, आगे आगे हम पीछे पीछे, खेत जाना है तो आगे आगे हम पीछे पीछे। आप जब मशीन लेके चले जाते हैं काटने के लिए तब क्या करता है? मशीन हम कहीं दूर लेके जाते नहीं जाता ना, हम तो लोकल में रहते हैं। गए बहुत दूर, जैसे गए तो जैसे आप जहाँ से आए क्या बोलते हैं बीकापुर साइड में गए एक आध दोपहर, तो जैसे सुबह गए मशीन पर, शाम के मौके पर लौट आए मशीन, तो वहीं रहेगी ना। सुबह फिर यहाँ चले जाते हैं मशीन पर, ड्राइवर और जो लोग रहते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप जब सोते हैं तो ये सोता कहाँ पे है? ये फिलहाल तो जो है जहाँ इसका दिल करता है वहाँ रहता है, क्योंकि ये किसी तरह से न बांधा गया है। अच्छा। न इसके मतलब इसको कोई तरह की बंधेज नहीं है, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, जहाँ दिल करता है वहाँ जाता है। इसका दिल करता है तो दरवाजे पर रहता है। मेरा एक कुत्ता है रॉटवीलर, डॉग है रॉटवीलर, उसके साथ रहता है। नहीं तो इसका दिल करता है तो ऊपर मेरा रूम है उस पर चला जाता है, वहाँ जाके मेरे रूम के बाहर खड़ा रहता है, जहाँ दिल करता है वहाँ जाता है। अच्छा, कुत्ता बिल्ली सब कुछ नहीं कर सकता? नहीं, कुछ नहीं कर सकता, कुत्ता ये दोनों साथ ही रहते हैं। वो तो इसे कुछ कहीं कोई नहीं, नहीं कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं। और मान लीजिए हम देखते हैं इसको, हम कभी बैठते नहीं देखा हूँ, बैठता है कि नहीं, सोता कैसे है? जैसे आपका अभी जब से आए हैं 101 इंटरव्यू है जी, इससे पहले सौरभ जी का 100 हुआ है जी, तो उसके बाद आपका 101 है। तो जो है आपसे पहले जो एक लोग और आए थे उनका ऐसे कैमरा चल रहा था, तो वहाँ अचानक से फिर बैठ गया। अच्छा। तो हमने उसमें बोला है कि जो है आज तक जितने इंटरव्यू हुए किसी में बैठा मतलब नहीं दिखाया गया है जी। और ये कभी कभी 10-15-20 दिन तो हम भी देखते हैं कभी कभी इसको बैठा, तो हाँ पहली बार इसको बैठा तभी बैठा था ये। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो वही हम कह रहे हैं कि जब से मैं आया हूँ लगभग मुझे 1 घंटा हो गया है जी, कभी कभी मैं देखता हूँ एक पैर पे भी खड़ा रहता है। हाँ, एक पैर पे ज्यादातर खड़ा होता है ये आराम करने के लिए। एक तो इसके पैर में भी दिक्कत है। अच्छा। वो वाले में जो टूटा हुआ है, क्योंकि जो एक बार ईश्वर बना के देता है वो उस तरह फिर दोबारा बन नहीं पाता वो। नहीं, लेकिन फिलहाल हम ये देखे हैं कि वो वाला पैर खड़ा रहता है, दूसरा वाला उठाता है। हाँ, जब इसको जब थक जाता है एक दूसरे, क्योंकि सोता है खड़े खड़े ही सोता है। कितना वजन होगा इसका? इसका वजन होगा लगभग 7-8 किलो के बीच में, नहीं 6-7-8 किलो होगा इसके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक पंछी 10 किलो 8 किलो का वजन है, और ये पतला सा मात्र 1 इंची का पैर है।
लगभग 1.5 फुट का है, एक ही पैर पे 1-1 घंटा मैंने देखा हूँ खड़ा होके। और ये दोस्ती हमको ये लगता है इनके घर का कोई ये रहने वाला है पूरा एकाध दो पीढ़ी के ज़माने का, क्योंकि जब से 1 साल से इनको मिला है ये जहाँ जाते हैं वहाँ जाता है, साथ में इनके उड़ते हुए जाता है, साथ में खाना भी खाता है, साथ में खाना खाना बैठना, अगर हम नहाने जाते हैं जब तो ये बाथरूमों के बाहर खड़ा रहता है, बाहर खड़ा रहता है। ये भी नहाता है क्या भैया? हाँ नहाता है, पर इसको सबमर्सिबल से एक वाइफ और हस्बैंड का प्यार जो होता है वही इनको प्यार मिला है, ये कुदरत का करिश्मा है। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे पक्षी को आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ये भगवान का रूप है दूसरा। और बेजुबान जब पक्षी जिसको सारस बोला जाता है, हिंदी में सब हंसा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में गौरीगंज में यहाँ पर है। देखिए इसका टोंट लगभग मान के चलिए 6 इंच का है, और ये पक्षी भी अभी ये अगर ये उठा लेगा अपना अगर टोंट, मान लीजिए आपसे बड़ा हो जाएगा। जी जी जी, इसका मतलब हाइट लगभग 6.5 फुट की है। अब बताइए 4.5 फुट, सॉरी 4.5। हाँ 4.5। नहीं लेकिन उठाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, 5 हो सकता है मगर 4.5। हाँ और ये जीवित कितनी देर दिन तक रहता है? जैसे ये जीवित हमने गूगल में सर्च किया है तो ये 35 मिनिमम है, 80 मैक्सिमम, 80 साल तक 35 से 80 साल तक ये जीता है। इसका इसके टोंट में एक छेद हुए ना पहले? जी अच्छा ये बताइए, ये आपने कभी सर्च किया है नर है कि मादा? ये जैसे अपने झुंड के बीच में जब जाता है, अपने परिवार के बीच में जाता है, तो वहाँ से हमको देखने से ऐसा लगा कि ये नर है। नर है जी जी। हाँ चूंकि इसकी दाढ़ी भी देखी आई है। जी जी जी, इसकी दाढ़ी पूरा आई है, जैसे हम लोग की आई आपकी आई है वैसे दाढ़ी हमारी सही सही आई है, दाढ़ी भी आई है। तो ये मान चलिए जो बड़े बड़े जहाँ 500-500 बीघा जो झील रहते हैं, 500-500 बीघा की, वहाँ दो एक झील में दो लोग पाए जाते हैं, एक हंसा हंसनी, तो ये शायद बेचारा अकेला है। चलिए ठीक है, अकेला हम है, हमारे भाई नहीं है। नहीं कुछ लोग जैसे हमारा वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोग भी, क्योंकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में अभी वायरल हो चुका है, NIA न्यूज चैनल आया था पहले अभी जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो वो जो है कुछ लोग वैज्ञानिक लोग सर्च कर रहे हैं, हमको लगता है ये आरिफ को अपना जोड़ा मान चुका है। हम लोग खुद ही कहते हैं ये आपका जोड़ा है, आप उनके दोस्त हैं, आप उनके दोस्त हैं, पति पत्नी का जो प्यार होता है वही आपके साथ हुआ है। ये पक्षी सिंगल नहीं रह सकता कभी, ये मान के ही है, ये सिंगल कभी भी नहीं रहते है। नहीं हाँ, तो बेहद खुशी की बात है। और बहुत अच्छी बात है, हम लोग मिले पक्षी से। बाकी बिजली तार का कहना बात सर, जैसे कि बताएं आप दाढ़ी है, बिजली जी से पूछे नर है कि मादा इनको दाढ़ी बताओ बिजली जी बताइए, बिजली बिजली की दाढ़ी बताइए, बिजली कैसे लगा था सारस भाई मिलके? बढ़िया लगा था। कुछ बोला सारस भाई ने? अभी एक भजन आया था हम लोग गाते हैं जी जी, चला उड़ी चला हंसा वीरान नगरी, वीरान में पाए थे वीरान नगरी, हो वीरान नगरी चला उड़ जाए हंसा वीरान नगरी, चला उड़ जाए हंसा वीरान नगरी। बहुत सुंदर, देखिए कितने गौर से सुन रहा है, अच्छा लग रहा है और इसको अच्छा लग रहा है, ये एकदम ध्यान सुन रहा है इसके। और पूनम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा था, कुछ बोले चाहूं? अरे बहुत जितना मतलब वर्णन किए जाए इनका तनु है ना, इनको मतलब बहुत पसंद आ गया ना, गाड़ी में मोहब्बत करबो का मोहब्बत पे तो टूट जाए दी सर भाई, नहीं चत रहा देखिए भाई, तो मेरे ऊपर तो अभी इनको टोंट से इनका गाल पे इनके छुआ है वो टोंट से मेरे दादा, और किस तरह आप देखिए पूनम जी से किस कर रहा था, उसको पसंद आ गए मतलब, तो किस करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम चाहेंगे क्या कहना है, हमको बड़ा अच्छा लगा हमसे मतलब वर्णन कर लिया ना इन्हें मतलब। और हम ये चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हम तो एक सरहद और आरिफ भाई का प्यार मोहब्बत है दोनों का, आप लोग जरूर पूरी वीडियो देखिएगा और कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा। आरिफ भाई का एक चैनल है,
आरिफ भाई खुद ही बताएंगे। मेरा एक चैनल है इंस्टाग्राम पे आरिफ बुर्जर के नाम से जी जी, वहाँ पे जाएंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी और जाके वहाँ पे देखेंगे कैसे खाता है, कैसे नहाता है, कैसे मेरे साथ रहता है, कितनी टाइम बाजार जाता है। आज हम लोग एक यूट्यूब चैनल भी चालू कर दिए हैं, भाभी जी ने हमारा एक यूट्यूब चैनल चालू किया है, जो फर्स्ट वीडियो भाभी जी ने अपलोड किया था सौरभ भैया ने, तो उस पे जाइए और विजिट कीजिए, देखिए। चैनल का नाम, चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का नाम है आरिफ गुर्जर सारस का दोस्त जी। तो दोस्तों आरिफ गुर्जर सारस का दोस्त आज YouTube इनका चालू हुआ है चंदा भाभी ब्लॉग के माध्यम से इनके हाथों से, और जो कि वीडियो आज पहला अपलोड हुआ है जिसे सबकी वीडियो आप देख रहे हैं, तो चाहेंगे कि भैया का भी वीडियो आप लोग देखिए और हम लोग उस पर सपोर्ट करेंगे और प्रमोट भी करेंगे जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि भैया का मकसद नहीं है कि YouTube चलाएं और इससे इनका कोई मतलब नहीं, भगवान और अल्लाह इंशाल्लाह कि काफ़ी उनको वो चीज़ दिए हैं, उतनी बड़ी मशीन है इनके घर पर, लगभग कौन सी मशीन है भैया आपकी? हार्वेस्टर है, विशाल कंपनी, विशाल कंपनी का हार्वेस्टर जो कंपाइन कंपाइन जो है, और काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी वीडियो, काफ़ी बड़ी मशीन है, तो काफ़ी चर्चित में है, जैसे मान लीजिए अगर ये तो वायरल होगा इसके आगे आप कुछ इसके आगे मतलब वायरल होने कुछ नहीं, हम तो घर ही पे हैं फिलहाल अभी। अच्छा, अभी घर पे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पैर इसका ठीक हो गया है जी जी, और देखिए कब तक क्या होता है। आओ इधर आओ, बहुत जल्दी जाएंगे आगे, बहुत जल्दी जाएंगे आगे इस पक्षी के साथ। चलिए वीडियो को हम यही एंड करते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं।